सो हेलो हेलो, कैसे आप सब। ओला ऑडियो को मैं आपका होस्ट और दोस्त इविला का स्वागत करता हूँ डील वैली के एक और एपिसोड के साथ। आज के इस एपिसोड में हम लोग शंटिंग को बहुत ज़्यादा क्लोजली देखने वाले हैं, किस तरह से हम लोग शंटिंग करते हैं एंड कैसे वो होता है उसे आप देखेंगे। ये कुछ यहाँ पर टैंकर ट्रेन है, तो अगर आपको उसकी जॉब दिखाऊँ, कुछ इस तरह की जॉब आपको स्टेशन में मिल जाती है। इसमें शंटिंग लिखा होगा रेड कलर में एंड ये लॉन्ग टू में आती है एंड हेजमेंट टू कैटेगरी है। अल्कोहल फ्लैमेबल होता है इसलिए हेजमेंट टू के अंदर आता है। 840 टन इसका मास होने वाला टोटल, इसलिए हम लोग डी टू यूज़ ना करते हुए या फिर D2 जो भी छोटा लोकोमोटिव माइक्रो शंटर आई गैस उसे यूज़ ना करते हुए DH4 लोकोमोटिव यूज़ कर रहे हैं। तो अब मैंने यहाँ पे शंट नहीं किया है क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ शंटिंग जो है किस तरह से होती है। अच्छा, तो अगर आप लोग यहाँ देखोगे तो इसका टाइम बोनस है वो है 46 मिनट्स। इसे हम लोग कैसे ले मेरे भाई, क्योंकि आप क्या करते हो, जो मतलब नॉर्मल लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, जाते हैं स्टेशन पर, देखते हैं अरे भाई ये अच्छा लग रहा है, डाल दिया वेटर में एंड अपना जो जॉब है वैलिड हो जाती है एंड फिर आते हैं ढूंढते हैं यहाँ रखा है उसको लगा देते हैं, देन जो अपना टाइम है वो 10 मिनट वैसे ही ख़त्म हो जाता है। सो आपको एक टिप देना चाहता हूँ, जब भी आपका टाइम जो बोनस है वो अगर कम हो गया हो, लाइसेंस ले तो अगर आप उससे क्या होता है जो अपना टाइम बोनस रहता है डेडलाइन वो थोड़ी कम हो जाती है। सो उसको यूज़ करने के लिए, उसको फिल करने के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो ट्रेन है उसका नंबर दिया जाता है HBSU 77। सो व्हाट यू कैन डू इज़, तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ आप देख सकते हो जो ट्रेन नंबर है वो हमारे प्रिस्क्रिप्शन से मैच कर रहा है HBSU 77। एंड अगर आप यहाँ देखोगे तो इसके अंदर जो कार्गो है वो भरा हुआ है, आई मीन जो अल्कोहल है 23,000 किलो एक, इसकी बात कर रहा हूँ बाय द वे मैं, वो भरा हुआ है तो वो हमें लेके जाना है। ठीक है, तो इतना हो गया, इतना समझ गया आपको कि आपको ट्रेन कैसे ढूंढना है आपका टाइम। एक काम करता हूँ, सबसे पहले जो मेरा DH4 है जिससे मेरा फ्यूल कंजम्पशन थोड़ा सा कम हो जाए इसलिए मैं इसको बंद कर देता हूँ, जिससे आपको आवाज़ जो मेरी वो अच्छी आएगी। ओके, नाउ फाइन, आपने ट्रेन ढूंढ लिया अपनी कि हाँ भाई मेरे को ट्रेन मिल गई मेरी, अब फटाफट इसको लेके जाते हैं, ऐसा वैसा नहीं, वैसा नहीं करना है। सबसे पहले आपको चेक करना है, स्पेशली अगर आपकी लॉन्ग टू कैटेगरी ट्रेन है आपको चेक करना है कितने डब्बे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो 10, 10+10, 20, टोटल 20 कार्स हैं, टोटल 20 फ्रेट ट्रेन्स हैं। ठीक है, टोटल 20 कार्स हैं अपनी, लॉन्ग टू है इसलिए अपन को चेक करना पड़ेगा कि जो कनेक्शंस हैं वो ऑलरेडी बने हुए हैं या नहीं। बिकॉज कभी कभी क्या होता है, समझो इसमें से 5 डब्बे 5 ये कार्स मशीन फैक्ट्री से आ गई, ठीक है, जस्ट एग्जांपल, एंड बाकी की जो बची कुछ हैं वो ऑयल वील सेंट्रल से आ गई या कुछ कुछ सिटी साउथ वेस्ट से आ गई, तो वो क्या होता है कनेक्ट नहीं होती हैं, आपको वही चेक करना है। सो देख लो एक बार HBSU 77 एंड आप चाहो तो इंडिविजुअल भी चेक कर सकते हो, ठीक है, कनेक्शन साथ में गिनते रहो। एंड हाँ, वन मोर थिंग, कभी भी जो अपना वैलिडेटर होता है उसमें जॉब डालने से पहले अपना कार्गो बिल्कुल मूव मत करना, मतलब थोड़ा आगे पीछे क्या चलता है बट इस यार्ड से उठाकर इस यार्ड में डाल दिया नहीं, उससे जबकि जॉब है वो इनवैलिड हो जाएगी एंड आपकी जॉब एक्सेप्ट नहीं होगी एंड देन आपको पूरा मैच वापस से ठीक करना पड़ेगा। एंड अब मेरे ख्याल से इसका ये ब्रेक लगा होगा, देवी को इसका हम लोग क्या करते हैं ब्रेक लीज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से करते हैं इसको कपल। तो अगर आपको पता नहीं कपल कैसे करना है आपको बताता हूँ, ये दोनों जो होते हैं वो कपलर होते हैं, आप इन दोनों में से कोई एक उठा सकते हो, जैसे कि मैं क्या करता हूँ ये उठा लेता हूँ एंड आपको जो है वो इसके ऊपर से ऐसे इसको बस लगा देना है, ठीक है, एंड देन ये टाइट करना है। अब ये होता है अपना मल्टीपल यूनिट की केबल, अगर आप पीछे एक लोकोमोटिव यूज़ कर रहे हो तो आपको प्रॉबेबली कनेक्ट करना पड़ेगा अगर आपके पास MU लाइसेंस है मल्टीपल यूनिट का, जो कि फिलहाल अभी अपन यूज़ नहीं कर रहे हैं, अपन एक लोकोमोटिव से इसको काम करा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो अब ये है अपना ब्रेक पाइप, इसके अंदर प्रेशराइज एयर होती है टू बी ऑनेस्ट, एंड ये क्या करता है जो ब्रेक्स हैं उसे रिलीज़ करता है। अभी ब्रेक्स जो अप्लाइड है बिकॉज जो प्रेशर है वो ज़ीरो है, तो मैं क्या करूँगा इसे यहाँ लगा देता हूँ। ठीक है, एंड वेल्व खोल दिया इसका, ठीक है, अब आपको एक आवाज़ आएगी, तो बेसिकली अब क्या हो रहा है जो अपने लोकोमोटिव में रिजर्वायर है, अगर मैं अंदर जाऊँ यहाँ दिखाऊँ, जो अपना मेन रिजर्वायर है उसकी जो एयर है वो कम हो रही है। क्यों? क्योंकि जो अपने टैंक्स हैं, स्मॉल रिजर्वायर्स हैं ईच कार के, एक नहीं बोल रहा हूँ मैं, ईच कार के बोल रहा हूँ क्योंकि हर एक कार के अंदर अपना अपना रिजर्वायर होता है, तो उसमें क्या हो रहा है जो एयर है वो भर रही है। अब मैं क्या करूँगा, देख सकते हो जो मेरा रिजर्वायर है वो बहुत ख़त्म हो चुका है, आई मीन रेड लाइन के पीछे आ गया, तो अगर मैं लोकोमोटिव चालू करूँ तो जो मेरा कंप्रेसर है वो चालू हो जाएगा एंड जो मेरा मेन रिजर्वायर है लोकोमोटिव का उसमें भरना शुरू कर देगा। ठीक है, कंप्रेसर हो रही है यहाँ पे अभी, और यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपका ब्रेक पाइप का प्रेशर है वो मॉनिटर होता है, एंड एक बार जब
ये जो रेड निडल है वो जीरो पे आ जाए, जीरो मतलब अपना ब्रेक जो है वो रिलीज हो चुका है फिलहाल, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ नोटिस करोगे तो दोनों ब्रेक्स जो है वो रिलीज हो चुके हैं, ये अपना ट्रेन ब्रेक्स है और अपना ये लोकोमोटिव का मतलब इंडिपेंडेंट ब्रेक है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो जो मेरा लोकोमोटिव रिमोट है वो चेक करते पैर है या नहीं, जो कि पैर है, एंड इसको डालते हम लोग फॉरवर्ड में एंड क्रीप करना शुरू कर देगा, बिकॉज दिस इज़ अ हाइड्रोलिक लोकोमोटिव, मैकेनिकली कनेक्ट नहीं रहता, ये हाइड्रोलिक कनेक्ट रहता है। एंड अब इसको क्या करूँगा, मैं इसको बस एक मूवमेंट में डाल दूंगा, ठीक है। आई विल मेक श्योर कि ये मूव कर रहा है, जिससे मैं थोड़ा टाइम सेव कर सकूँ। अब मैं जाऊँगा फटाफट से स्टेशन पे, जो कि है अपना यहाँ पर, एंड आई विल मेक श्योर जो मेरा लोकोमोटिव है वो अच्छी तरह से मूव कर रहा है, एंड जो मेरी जॉब है वो मैं कर दूँगा हैंड ओवर कहाँ, अपने वैलिडेटर में। तो यहाँ पे आप देख लिया करो, टू ड्रॉप ऑफ्स हैं या फिर वन ड्रॉप ऑफ है, वो देख लिया करो एक बार। वैसे यहाँ पे टू ड्रॉप ऑफ है, ये छोटी जॉब है, ज़्यादा बड़ी जॉब नहीं है। अच्छा ठीक है, ये हो गया अपना। तब चलते फटाफट से लोकोमोटिव में, एंड थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है बट दैट्स कम्प्लीटली फाइन। DH4 के लिए इतना कुछ हार्ड नहीं है, मैं ये बंद कर देता हूँ जिससे आपको आवाज़ ना आए। ओके, अब अपन चेक करते हैं कि अपन को लेके कहाँ जाना है इसको। सो अपन ने E8 इनबाउंड से अपना जो माल है वो उठा लिया। अगर आप चाहो तो इंडिविजुअल कार के नंबर भी चेक कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे CGS418 है, ठीक है, जो कि अपना लास्ट वाला डब्बा है जैसा आपको बताया मैंने, और CGS68, ठीक है, S568 सॉरी, जो कि अपना रिसेंट है, सबसे आगे वाला है। यू कैन टेक योर टाइम एंड यू कैन चेक ऑल्सो कि यही है या नहीं है। एंड अगर एक और टिप आपको देना चाहता हूँ, अगर यहाँ पर 3 drop-offs हो या इवन 4, वैसे मैंने अभी तक 4 देखा नहीं है, बट अगर 4 drop-offs हो देन मेक श्योर कि आप सबसे पहले सारे के सारे अपने डब्बे ढूंढ लो, बिकॉज एक ई यार्ड में होगा एंड देन एक जी यार्ड में होगा एंड देन एक सी यार्ड में हो सकता है, वो ले सकते हैं, ठीक है। और अपन चेक करते हैं कि अपन को जाना कहाँ है। तो अपन को पहले जाना है C3L में, जो कि लोडिंग एरिया है। यहाँ पे अपन इसको अनलोड करेंगे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना अनलोड, एल मतलब होता है लोडिंग, तो यहाँ से अपन उसको अनलोड करने वाले हैं। तो फिलहाल मैं वो भी लास्ट वैगन के सबसे ऊपर वाले एरिया में, ठीक है, यहाँ से मैं रिमोटली मेरा लोकोमोटिव कंट्रोल कर रहा हूँ। उससे क्या रहेगा, मुझे मालूम पड़ता रहेगा जो मेरी ट्रेन का बैक है, EOT है, वो कहाँ तक पहुँचा है। तो रिमोट कंट्रोल का एक ये फ़ायदा है, एंड थैंक गॉड DH4 के साथ जो हमारा रिमोट कंट्रोल है वो पैर होता है। बस मुझे 3L के आगे जो लास्ट वैगन है वो लाना है, एंड देन वी आर डन, ठीक है। आई मीन नॉट डन, अपने को थोड़ा और काम करना है, बट देयर वी गो। तो मैं फटाफट से यहाँ से फुल ब्रेक अप्लाई कर देता हूँ एंड रिलीज़ भी कर देता हूँ, बिकॉज रिलीज़ होने में बहुत टाइम लगता है इसको, दैट्स वाई वील सेव टाइम। तो अपना जो है 3L के आगे आ चुका है, एंड अपन जाएंगे जहाँ पे लोडिंग होती है। सो आई गेस, अगर मैं यहाँ पे रॉन्ग नहीं हूँ तो ऊपर होती होगी, हाँ यहाँ हो रही है। ओके, अपन अपने अप्रोप्रिएट अलोकेटेड यार्ड में आ चुके हैं, सो व्हाट वील डू इज वील हिट अनलोड। सो जो अपने टैंकर्स हैं वो अनलोड हो रहे हैं, ठीक है, देयर वी गो, ये अनलोड हो चुका है एंड बाकी सब जो है अनलोड हो रहे हैं धीमे धीमे, अनलोड हो चुका है, ठीक है। एंड अब देखते हैं कहाँ ले जाना है इसको। अपन को ले जाना है C1S में, लेकिन यहाँ पे हमें 2 drop-offs हैं, हम लोग को यहाँ पे जो अपनी ट्रेन है उसे स्लाइस करना पड़ेगा 2 parts में, एंड आधा कहीं और रखना है आधा कहीं और रखना है। तो अपन को जो क्लोजेस्ट यार्ड है जो कि अपना C1S, ये अपन को पहले टारगेट करना है, बिकॉज जो अपना EOT है एंड ऑफ द ट्रेन, आप देखो यहाँ पे तो 4 blue डब्बे जो कि ये वाले हैं, तो अपन ये पहले रख सकते हैं, ठीक है। सो वील ट्राई दैट। तो अपन क्या करते हैं, तो अब यहाँ पर एक चीज़ जो आप हमेशा एनकाउंटर करोगे वो ये है कि जो अपना ये वाला है, मतलब पीछे वाला जो ट्रेन है, अगर मैं आपको यहाँ पे ट्रेन के नंबर्स दिखा पाऊँ मूविंग ट्रेन में, जो थोड़ा हार्ड रहेगा बट डेट्स फाइन, CGS 418, ठीक है, CGS 418, GS 418 जो कि है ये वाला, ठीक है, ये वाला जो लोकोमोटिव है, कार है, ये अपने को यहाँ लगानी है, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट, जो क्योंकि जो आगे का अपना पार्ट है वो हम लोग कैसे ले जाएंगे, राइट, क्योंकि आगे इतनी जगह नहीं है। तो उसका सलूशन ये है, आपको यहाँ पे फुल बैक ले जाना पड़ेगा, देर इज़ नो अदर ऑप्शन, आपको यहाँ पे फुल बैक ले जाना पड़ेगा एंड यहाँ से पूरा रोटेट मारकर वापस आना पड़ेगा। उसमें थोड़ा टाइम को कॉस्ट लगेगा बट डेट्स कम्प्लीटली फाइन, आपको दिखाता हूँ कैसे करते हैं, ठीक है। अभी हम लोग थोड़ा टाइम से थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं, दैट्स वाई मैं यहाँ पे जल्दबाजी में थोड़ा कर रहा हूँ, बट एक बार समझ जाओगे आप लोग देन आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। दी वी गो, एंड अब जो सिग्नल है वो मैंने ओवरराइड कर दिया एंड वापस से बैक जाएगा। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, अगेन जो मेरा रिमोट है, जो अपना रिवर्सर है, उसे रिवर्स पे डाल देता हूँ एंड थोड़ी पावर लगा देता हूँ
एंड थोड़ी देर में चलेगी बिकॉज जो ब्रेक्स हैं अभी तक रिलीज हो रहे हैं, बट दैट्स कम्प्लीटली फाइन। तो ओवरहेड मैंने ऑलरेडी कर दिया है। 1S पे हमें जाना है अगेन। सो जो 1S है अपना वो है यहाँ पे, एंड अब बस हमें ऑब्जर्व करना है कहाँ जाकर, अगेन यहाँ जाकर, ठीक है। अच्छा, आप क्या कर सकते हो, जब ट्रेन चल रही है तो आप देख सकते हो जो अपना ये है लास्ट है जो कि है CGS 418, जो कि ये वाला है, ठीक है, एक सेकेंड। एंड इसके पीछे इसके पीछे चार ब्लू वाले, तो 1, 2, 3, 4 जो कि ये है, ठीक है। एंड फिर उसके बाद है एक ऑरेंज वाला जो कि ये है, ओके, एंड देन वापस से ब्लू वाला जो कि ये है, एंड देन वापस एक ऑरेंज, एंड देन वापस एक ब्लू, एंड देन वापस एक ऑरेंज, ब्लू वाला ये है, ऑरेंज वाला ये है, ब्लू वाला ये है, एंड देन लास्ट ऑरेंज वाला ये है। सो इफ़ आई एम राइट, ये जो है वो डिसकनेक्ट होगा यहाँ पे, या सो CGS 125 यहाँ पे देखो CGS 125, एंड देन अगेन यहाँ देखो CGS 125। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं ना यहाँ बैठ जाऊँगा, कहाँ, यहाँ पे। आप क्या कर सकते हो, इसे रोल करने दे सकते हो, एंड देन जो बचा खुचा एरिया है, मतलब बचा खुचा ट्रेन आप ले जा सकते हो, ठीक है। सो उसके लिए वो भी हम लोग करेंगे, कोई इशू नहीं है। उसके लिए क्या करना है आपको, ये खोल देना है, एंड देन ये बंद, ये दोनों बंद कर देना है, एंड देन इसे डिस्कनेक्ट कर देते पहले तो, एंड देन ये डिस्कनेक्ट होगा, एंड इसे यहाँ से उठा लेते हैं, ठीक है, इस तरह से। अब क्या करेंगे, जो अपना लोकोमोटिव है उसका लगा देते हैं ब्रेक्स, तो जो ये वाला पार्ट है वो रुक जाएगा, एंड जो ये वाला पार्ट है वो कंटिन्यू रखेगा क्योंकि इसके अंदर मोशन है, ठीक है। बाकी जो अपने ब्रेक्स है वो रिलीज कर देते हैं, एंड फॉरवर्ड लगा देते हैं, एंड अब देखते हैं अपन को ले जाना कहाँ है दूसरा पार्ट। तो C1S में जा रहा है, D5S में हमें इसको लेके जाना है, ठीक है। सो एज यू कैन सी, जो अपनी ट्रेन है वो C1S में पहुँच चुकी है, एंड अब मैं आप क्या करूँगा, जो उसका ये नोजल है वो खोल दूंगा, जो ब्रेक्स है वो इंस्टेंटली लग जाएंगे, एंड नेवर फॉरगेट टू अप्लाई वन ऑफ दीज, ठीक है। तो जो अपनी ये वाली ट्रेन है वो फॉरवर्ड चल रही है, ठीक है, अपनी आगे जा रही है, एंड रोल हो रही है, अब क्या करेंगे, तो ये सिग्नल जो है ऑलरेडी लगा हुआ है, विच इज़ करेक्ट। तो डी आर्ड हमारा यहाँ पे जाता है, यहाँ से राइट, एंड देन यहाँ से ये लेफ्ट होगा। एक बार चेक करते हैं कहाँ जाना है हमें, हमें जाना है D5S पे। सो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, D5S ये है। सो इसको राइट में करते हैं इस तरह से, एंड देन राइट में ऑलरेडी है ये, लेट्स चेक अगेन, विच इज़ गुड, एंड देन अब वापस जाएंगे, एंड जो अपना ये सिग्नल है इसको लेफ्ट कर देंगे, ठीक है। अब हमारा जो अपना जो ट्रैक है वो लग चुका है, एंड नाउ व्हाट वी कैन डू इज वी कैन जस्ट गिव आवर लोकोमोटिव सम पुश जिससे वो जल्दी आ जाए। सो अगेन, कभी भी 20 से ऊपर मत चलाओ अगर आपका कार्गो खाली है, देन नेवर नेवर एक्सीड 20 km/h। तो सामने एक ट्रेन खड़ी हुई है छोटी सी, सो वी नीड टू अप्लाई सम ब्रेक्स। अभी ये देख के आप पैनिक मत हो जाना, ये मत बोलना अरे भाई ये लोकोमोटिव बीच में फंस गया ऐसा वैसा, दैट इज नॉट आर कंसर्न, वो अपना कंसर्न नहीं है भाई, ये निकल जाएगा। ये क्या होगा पता है आपको, ये बोलते ना कि लाइक आज है कल नहीं है, ये निकल जाएगा यहाँ से, एंड वैसे भी मेरे को लग रहा है कार फ्लैट बेड कार वाला बंदा ये, तो ये निकल जाएगा। सो यहाँ से क्या करेंगे, इसका जो ब्रेक्स है वो रिलीज कर देंगे, ठीक है, एंड इसको पहले शंट कर लेंगे यहाँ से, एंड धक्का दे देंगे आगे, जितनी जगह आगे है उतना धक्का दे देंगे। तो इसको करते हैं पहले कपल, एंड यस ऑलवेज कपल, ठीक है, कपल करना है आपको, बिना कपल किए पुश मत करो, इसमें ब्रेक प्रेशर नहीं है, एंड अगर ये ज़्यादा आगे चली गई तो सामने पानी है, गिर सकती है अंदर, ये पानी में जा सकती है ये, एंड जो उसका स्टॉपर है आगे वो इतना कुछ खास नहीं है, दैट्स वाई एटलीस्ट कपल दिस वन, ओके, भले अगर आप चाहो तो ब्रेक पाइप्स कपल मत करो, दैट इज़ ऑन यू, बट एटलीस्ट कपल द मेन कपलर, ओके। तो अब आगे चलते हैं, एंड इसको मारते पुश, देयर वी गो। अपनी आगे वाली ट्रेन थी उसको मैंने यहाँ तक रोक दिया है, ठीक है, एंड इसे मैं कर देता हूँ ब्रेक लगा देता हूँ इसके, एंड अब मैं क्या करूँगा पता है, इसको डीकपल कर दूंगा, विच इज़ ऑब्वियस, तो इसको डीकपल करते हैं, एंड ये लोकोमोटिव में यही रख दूंगा। अगर आप लोग टाइम पे शॉर्ट चल रहे हो तो लोकोमोटिव यही रहने दो, कोई इशू नहीं है, कपल भी रहने दो, कोई इशू नहीं है। आप क्या करो, फटाफट इसका जो ब्रेक है वो लगा दो, एंड देन रन रन टू द स्टेशन। बस मेक श्योर कर लो एक बार कि जो अपना ये है साइन है उसके अंदर तक अभी ट्रेन आ चुकी है, जो कि आ चुकी है। अब फटाफट से आपको भागना है आपके स्टेशन की तरफ, ठीक है, चूँकि अपना यहाँ पर, एंड देन यू हैव टू हैंड ओवर दिस, मेक श्योर कि इस पेज के बाद, मेक श्योर इस पेज के बाद कोई और पेज नहीं है, विच इज़ गुड, जो कि नहीं है, एंड उसको करते हैं यहाँ पे, एंड आवर जॉब इज़ कम्प्लीटेड, लुक एट दिस। पहले माल ले लेते हैं, एंड देन अब देखते हैं समरी। सो बेसिकली आप लोग देखो 46 मिनट की जॉब हम लोगों ने 25 मिनट में कर दी है, तो इसका हम लोगों को तगड़ा वाला पेमेंट मिला होगा,
$50,000 तो उसका वैसे ही है, ठीक है, बेस पेमेंट है। एंड अगर मैं यहाँ पर जाऊँ तो टाइम बोनस हमको मिला है $25,000, जो कि कम नहीं है। टोटल $75 का हम लोग को प्रॉफिट हुआ है बिना कुछ डैमेज किए, एंड एज ऑलवेज नो एनवायरमेंटल डैमेज। सो ये था एक इन डेप्थ स्टंटिंग के बारे में। एंड जिन लोग को लग रहा था कि भाई बहुत ईजी है, तो ईजी नहीं है यार, इसको आपको थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अपना मेन गोल सिर्फ शंटिंग काम करना नहीं है, अपने को टाइम बोनस लेने का, जितना हो सके उतना जल्दी काम करने का अपना मोटो है यहाँ पर। सो जो कि मैंने करके दिखाया आपको, एक रोलिंग डिस्कनेक्ट भी करके दिखाया, आप इस तरह से जो है टाइम बोनस ले सकते हो एंड जल्दी जॉब कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, और शेयर को दोस्तों को सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।